जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपीकांता श्रीराधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लीलाचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च प्रदीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हम सब भक्तों का आज के संडे फीस्ट के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आप सब लोग आए इतने श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा प्रवचन है, वो एक स्पेशल थीम पे है। वो थीम है कि वी चैंट ही एंटेंस। आज का थीम है वी चैंट हरे कृष्णा ही मेंटेंस। तो जैसा कि आपको पता है कि कल 11 जुलाई 2020 को विश्व जनसंख्या दिवस था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो पूरे दुनिया में अभी बात चल रही है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत सारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और बहुत सारे स्लोगन आप लोगों को कल व्हाट्सएप में फेसबुक में ट्विटर में भी आए होंगे। तो शास्त्रों में लिखा गया है, शास्त्रों में पॉपुलेशन को का जो संस्कृत वर्ड है वो है प्रजा। प्रजा मतलब वो है एनी लिविंग एंटिटी, मतलब कि कोई भी व्यक्ति और पुरुष और कोई भी जंतु जो उस शहर और उस जगह रहता है वो प्रजा के अंदर आता है। मतलब एक स्टेज के अंदर जो कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य योनि क्यों ना हो, चाहे वो जानवर योनि क्यों ना हो, चाहे वो पेड़ योनि क्यों ना हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो घोड़ा हो, वो सब प्रजा में आता है। तो पुराने ज़माने में इन सब को प्रजा कहा जाता था। जैसे कि हम देखते हैं महाभारत में जब दुर्योधन विराट के ऊपर युद्ध करने के लिए जाता है तो वो किस बहाने युद्ध करने जाता है, बोलता है कि वहाँ की गायों की संख्या कम हो गई है, तो हम गायों की संख्या काउंट करने गए हैं। तो पुराने ज़माने में लोग मनुष्य की संख्या काउंट नहीं करते थे, पुराने ज़माने में लोग गायों की संख्या काउंट करते थे। और किसी देश की प्रगति किस चीज़ पर निर्भर होती थी, इस चीज़ पर निर्भर होती थी कि वहाँ कितनी ज़्यादा गाय हैं। तो पद्म पुराण में आता है कि इस दुनिया में पूरे विश्व भर में पूरे जगत में लगभग 84 लाख योनियाँ हैं। तो ये जो प्रजा है इसमें बहुत सारी योनियाँ होती हैं। तो टोटल जो योनियाँ हैं शास्त्रों के हिसाब से 84 लाख योनियाँ हैं। उसमें से जो जल में चढ़ने वाली योनियाँ हैं, जो जल में रहती हैं, वो 9 लाख योनियाँ हैं। और जो पेड़ हैं जो चल नहीं सकते वो लोग हैं टोटल 20 लाख योनियाँ। और जो मच्छर पंखी ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इनका योनियों का संख्या बताया गया है 11 लाख।
और जो आसमान में उड़ने वाले जो पक्षी हैं उन लोगों की योनियां बताई गई हैं 10 लाख। और जो जानवर है, 2 पांव के जानवर, 4 पांव के जानवर है ना, और 4 पांव के जो स्पेशली जानवर है वो है 30 लाख योनियां। और जो 2 पांव का जानवर है जिसको मनुष्य बोलते हैं, द्विपद जंतु, वो 4 लाख योनियां है उसकी भी। तो मनुष्य की भी 4 लाख योनियां है। ये 4 लाख योनियां जो है वो चेतना के हिसाब से विकसित हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कुछ मनुष्य योनि जो है वो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है उनको खून देखने से बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को खून देखते ही उल्टी आ जाता है। तो अलग अलग चेतना के हिसाब से योनियों को डिवाइड किया जाता है, उसका विस्तार किया जाता है। तो शास्त्रों में जो ये 4 लाख योनियाँ हैं मनुष्य की, वो चेतना के हिसाब से बताया गया है। तो भगवान ने भगवद गीता में बोलते हैं कि यम वापिस कण भावम तजे अंते कलेवरम, जैसे जैसे मरते वक्त जिसकी जैसी चेतना होगी वैसा उसको नेक्स्ट उसको दूसरा योनि प्राप्त होगा। तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि जो प्रजा है, जो इतनी सारी प्रजा है, पेड़ पौधे हाथी शेर मनुष्य, ये सब जो प्रजा है ये किसकी संतान है? ये मेरी संतान है, भगवान भगवद गीता में बोले हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि अहम बीज प्रदापिता, मैं वो पिता हूँ जो बीज देता हूँ। जैसे कि घर में हस्बैंड जो है वो बीज देता है और वाइफ को चिल्ड्रन होता है, तो जो बच्चा का जो बीज होता है वो मनुष्य वो पति से आता है। उसी तरह ये जो माया शक्ति है ये भगवान भगवद गीता में होता है, देवेशी गुण नहीं मम माया दुरतया, कि जो ये माया है ये बहुत विशाल है और इसमें जो भी योनियां हैं जो भी लोग हैं उनको मैं बीज प्रदान करता हूँ। तो भगवान बोलते हैं नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना एको बहुनाम यो विदाति कामा, मतलब हम बहुत सारे लोग हैं पर उनका पालन कौन करता है? केवल एक व्यक्ति करता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री ने पिछले लॉकडाउन के जो भाषण को जो उन्होंने अपना दिया था, उन्होंने स्पीच दिया था, उसमें बोला था कि नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाएगा। जो लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं नवंबर तक खाना फ्री में मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो केवल मनुष्यों के लिए बोला, पर अभी लॉकडाउन में जानवरों को कौन खाना खिला रहा है? हाथियों को कौन खाना खिला रहा है? चींटियों को कौन खाना खिला रहा है? और पशु पक्षियों को कौन खाना खिला रहा है? तो भगवान भगवद गीता बोलते हैं कि मैं ही सबको खाना खिलाता हूँ, मैं ही सब कुछ मेंटेन करता हूँ। तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांति मच्छति। तो जो ये व्यक्ति समझता है कि भगवान मेरी रक्षा करता है वो व्यक्ति शांति से जी सकता है। तो अभी पॉपुलेशन का इतना कि पॉपुलेशन बढ़ता हुआ जा रहा है बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है। पॉपुलेशन इससे पहले बहुत ज़्यादा था और अभी थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इसके कारण लोगों को समय पे सही जगह नहीं मिल पाता है सामान। पर एक्चुअली अगर हम भगवान के प्रति आस्था रखेंगे, भगवान के प्रति अपना सेवा करेंगे, तो भगवान हमारा पूरा ख्याल रखेंगे, इसमें हमको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोलते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना प्रयुपासिते तेषां नित्यभुक्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहम्। तो हम अभी 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को आपके सामने दोहराएंगे और उसका तात्पर्य और अनुवाद पढ़ेंगे प्रभुपाद के द्वारा। भगवान बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं कि किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप को ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो भी चिंतन करता है अनन्य भाव से, बिना रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डाइवर्जन के, उनका भगवान क्या करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं और जो उसके पास में होता है उसका रक्षा भी करते हैं। तो
हम आज ये देखेंगे कि अगर हम लोग भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान हमारा कैसे मेंटेन करते हैं, आज ये हम लोग सीखेंगे। इसीलिए आज हमारा थीम था कि वी चैंट, हम लोग जप करते हैं और ये हमको मेंटेन करते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि एक बार एक शहर था, नदी समुद्र के किनारे एक शहर था, वहाँ एक मछुआरा रहता था। वो मछुआरा जो था वो मछलियाँ पालता था और अपना जीविका चलाता था। तो जब वो रोज जाता था अपना जाल बिछाता था, मछली पकड़ के लेके आ जाता था। तो वहाँ क्या हुआ कि कुछ एक बड़ा फैक्ट्री आ गया, तो वहाँ बहुत सारे लोग अभी आके मछली इकट्ठा करने लगे। तो जब बहुत सारे लोग आ गए तो कंपटीशन बढ़ गया, और जिसके कारण क्या होता था, इसका तो सिंपल नाव थी तो ये जाता था तो उसको मछली नहीं मिलती थी। सबके सब लोग आते थे बड़ी बड़ी मशीनों से मछली निकाल के ले जाते थे, तो इसका गुजारा नहीं चलता था। तो ये सोचने लगा कि मेरा गुजारा कैसे चले, तो उसने सोचा कि अभी क्या किया जाए। तो उसने उसको याद आया कि अभी ये जो शहर है यहाँ एक राजा का बहुत बड़ा महल है, और राजा के एक महल में एक बहुत अच्छा पॉन्ड है, और पॉन्ड में बहुत सारी मछलियाँ हैं, और उस मछलियों में पर कोई भी अपना जाल नहीं बिछाता है, मतलब वहाँ पे कोई मछली पकड़ नहीं सकता है। राजा का सख्त आदेश था कि वहाँ कोई भी नहीं जा सकता है। तो ये सोचता है कि देखिए अभी मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ मछलियाँ मिल नहीं रही मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, मैं राजा के महल में चला जाता हूँ और वहाँ पे मछलियाँ पकड़ूंगा, और वहाँ से मछलियाँ पकड़ के क्या करूँगा, बेचूंगा, और थोड़ा थोड़ा बेचूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, चुपके से जाऊँगा, चुपके से आ जाऊँगा। अब तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, पत्नी ने बोला कि राजा के महल में जाओगे पकड़ लिया तो बहुत पिटाई होगा। बोला नहीं, अभी क्या करें, यहाँ तो बिजनेस चल ही रहा है, अभी एक ही ऑप्शन बचा है, वहीं जाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, वो ये आदमी राजा के महल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे जाता अपनी ड्रेस में जो भी है तो उसको पकड़ लेते। तो उसने क्या किया, उसने हमारी तरह एक तो ऐसे कलर का कपड़ा पहन लिया, एक उठली पहन लिया, माला ले लिया और हरि नाम जप करके थोड़ा एक तो माला ले लिया और चल गया अंदर, और राम राम जप करते करते चल गया। तो वहाँ जो सैनिक थे देखे कि साधु महात्मा आए हैं राजा से मिलने आए होंगे, तो उसको एंट्री कर दिया। फिर वहाँ पे किसी ने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, बोला मैं हमको भगवान का नाम जप करना है, एक शांत जगह चाहिए जहाँ पानी हो, हमको शांत जगह चाहिए जहाँ जप कर सके। रहा क्यों नहीं, हमारे राजा का एक बहुत अच्छा पॉन्ड है, वहाँ बहुत अच्छी मछलियाँ भी हैं, तुम जाओ वहाँ और वहाँ बैठ के जप करो। तो चला गया, उसको तो वही जगह चाहिए था, तो उसको बता दिया कहाँ जाना है, तो वहाँ चला गया और वहाँ बैठ के जप करने लगा, राम 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 राम। और फिर एक आँख खोल के देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, हाँ, और देखा कोई देख नहीं रहा है, तो अपने झोली से जाल निकाला और पानी में डाल दिया। और जब वो निकाल रहा था तभी उसने देखा कि बाहर से बहुत सारा धूल आ रहा है, उड़ रहा है धूल, और घोड़ों का आवाज़ आ रहा है। तो घोड़ों का आवाज़ सुन के उसको समझ में आ गया कि राजा जो है वो आने वाले हैं, राजा आ गए हैं। तो ये देख के वो घबरा गया, तुरंत क्या किया, गड्ढा खोदा, अपना मछली वछली जो था सब गड्ढे में डाल के उस पर बैठ गया और सब मिट्टी मिट्टी शरीर पे लगा लिया और हरि नाम चालू किया फिर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब चालू किया तो राजा आया, राजा देखा कि अरे हमारे महल में साधु आए हैं, क्या बात है। तो वो तो वहां जाके पहले तो गया राजा किसके पास, मछुआरे के पास। तो मछुआरा देखा कि अरे राजा मेरे पास में आ रहा है, तो घबरा गया, तो जोर से चिल्लाने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो जैसे ही वो आया उसने अपना राजा ने दंडवत मार दिया, दंडवत मार के बोला कि अरे आज तो हमारा पूरा शहर खुश हो गया है, आज हमारा शहर सौभाग्यशाली हो गया है। क्यों, क्योंकि हमारे आज शहर में एक संत महात्मा जी आए हैं, संत महात्मा जी। तो भगवान श्रीमद् भागवतम में लिखा है, जनस्य कृष्णा विमुखस्य देवा अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय न चरन्ति नूनं भूतानि भवयानि जनार्दनस्य। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं
वो पूरे विश्व में घूमते रहते हैं और हमको परिणाम का प्रचार करते हैं। तो जो गुरुवर्ग जो हमारे लाइफ में आते हैं, हमारे जो भक्त होते हैं, जब हमारे जीवन में कोई भक्त आता है तो क्या होता है कि वो हमसे हमारी सारी की सारी कुछ चीज़ ले लेते हैं। तो सोच रहे होंगे कि पैसा ले लेते हैं ना, वो क्या करते हैं हमारे दुनिया की, हमारे जो भौतिक जगत की जितनी भी एंग्जाइटी होती है वो ले लेते हैं, एंग्जाइटी ले लेते हैं और हमको क्या देते हैं, कृष्ण भक्ति देते हैं। गुरु वो नहीं है जो आपसे आपका पैसा ले, धन दौलत ले। गुरु को इन सब चीज़ों से नहीं खरीदा जा सकता। गुरु को केवल और केवल सच्चे भाव से सेवा करके ही खुश किया जा सकता है। और गुरु इतने दयावान होते हैं कि आप सेवा करें ना करें फिर भी वो आपको भक्ति देते हैं। सबको बोलेंगे आप हरिनाम करो, कीर्तन करो, वैष्णव का सेवा करो, सबको उपदेश एकदम सही तरीके से देते हैं। ये शिष्य की एक की तरफ से गुरु को भेंट होता है। इसीलिए पुराने जमाने में गुरुकुल में कोई फीस नहीं होता था, गुरु दक्षिणा होता था। गुरु दक्षिणा मतलब जो बच्चा अपने भाव से अपनी इच्छा से देता था अपने हिसाब से, और गुरु भी कोई पैसा नहीं देता था। तो ये जो मछुआरा राजा जो है वो बोलता है मछुआरे को कि आप आए हैं आज हमारे यहाँ पे, हमारा तो आज धन्य हो गया, आपका जरूर हमको सेवा करना चाहेंगे। तो बोला नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, आप हरि नाम जप करिए, आप खुश रहिए, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप पूरे पूरे विश्व भर में आपका नाम हो और आपका आप बहुत अच्छे राजा बने, और हम आशीर्वाद देते हैं कि आप हरि नाम भी जप करें। तो ये देख के वो खुश हो जाता है। और फिर उसको क्या सोचता है, आप आए हैं कुछ तो देना चाहिए। तो क्या करता है वो, 5 गोना मतलब 5 गोरी सोने का सिक्का उसको दान में दे देता है। तो ये देख के उसने आज तक जिंदगी में एक सोने का सिक्का नहीं देखा था, ये देख के उसको लालच आ जाता है और वो उसको उठा के चला जाता है। और जब चला जाता है तो फिर सोचता है कि वाह आज तो हम लोग तो हरिनाम ढूंढ, हम लोग तो इतने थोड़ा नाटक किए, उसमें हमको 5 गुनी सोने का सिक्का मिल गया, क्या बात है। तो फिर वो सोचने लगा कि अगर मैं असली में भक्त बन जाऊंगा तो मैं कितना अच्छा, मेरे को क्या नहीं भगवान देंगे। तो ये कोई कहानी नहीं है, ये एक बहुत अच्छे महात्मा की जीवनी है। ये जो महात्मा थे बाद में अयोध्या चले जाते हैं, और ये महात्मा का नाम है रामचरण दास बाबा जी महाराज। अयोध्या में अगर आप अभी भी जाएंगे तो वहाँ का उनका एक आश्रम है, वहाँ बहुत सारे जो भी साधु संत आते हैं उनको वो फ्री में खाना खिलाते हैं। तो ये जो रामचरण दास बाबा जी महाराज थे वो पहले एक मछुआरे थे। तो हम देख सकते हैं कि कैसे हरिनाम का जप अगर आप ऐसे ही करें तो भी आपका मन शुद्ध हो जाता है और भगवान आपका हमेशा रक्षा करते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं इस भौतिक जगत में, एक होता है आस्तिक और दूसरा होता है नास्तिक। नास्तिक मतलब नास्तिक ना अस्थि, जो भगवान के ऊपर आस्था नहीं रखता है उसको बोलते हैं नास्तिक, है ना। और जो भगवान पे आस्था रखता है उसको बोलते हैं आस्तिक। तो आस्तिक में भी बहुत अलग अलग कैटेगरी होता है, ऐसा नहीं कि जो कंठी माला पहन लिया, तिलक विलक धारी कर लिया और जब घूम रहे हैं और सब कर रहे हैं वो आस्तिक भी हो सकता है और नास्तिक भी हो सकता है। तो भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर बोलते हैं कि आस्तिक वो व्यक्ति है जो हरिनाम जप करता है और सोचता है कि भगवान मेरा ख्याल नहीं रखेगा। नहीं, आस्तिक मतलब वो व्यक्ति है जो हरिनाम जप करता है और सोचता है कि भगवान मेरा ख्याल रखेगा। नास्तिक वो व्यक्ति है जो हरिनाम करता है, मंदिर जाता है, घंटी बजाता है और दान वान सब करता है, भगवान का पूजा भी करता है, पर सोचता है कि मैं खुद का मेंटेन करता हूँ और भगवान मेरे को उसमें हेल्प करता है। जैसे हम लोग गाते थे बचपन में, आप लोग भी सुने होंगे कि धन संपत्ति घर आवे दुख मिटे तन का। ठीक है, भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं, मांगना चाहिए, भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। पर आस्तिक व्यक्ति वो है जो अगर भगवान नहीं देंगे तो भी भगवान को नहीं छोड़ता है, यानी कि भगवान ने दिया तो हाँ भगवान है, अगर भगवान ने नहीं दिया तो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आस्तिक व्यक्ति वो है जो भगवान पे का नाम जप करता है और उसको आस्था होता है, आस्था मतलब तो उसको श्रद्धा होता है कि भगवान मेरा रक्षा करेंगे। तो भगवान श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई थे, उनका नाम था भक्ति प्रयाग केशव महाराज। वो
शिला भक्ति सारस्वतों के ठाकुर के बहुत बड़े शिष्य थे। और तो भक्त जब प्रभुपाद ने दीक्षा ले लिया था, उसके बाद में जब उन्होंने अपना घर को छोड़ के वो जब वृंदावन चले गए थे, तो प्रभुपाद के सपने में प्रभुपाद जी उनके जो गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर बार बार में आते थे और बोलते थे कि तुम संन्यास ले लो, संन्यास तुम संन्यास ले लो। जब वो सपना आता था तो उनको बहुत टेंशन हो जाता था कि मैं कैसे संन्यास लूंगा, कौन प्रचार करेगा, कैसे प्रचार करेंगे। तो जब उनका मुलाकात हुआ था, जब वो वृंदावन गए थे, तो भक्ति प्रयाग केशव महाराज से उनका मुलाकात हुआ, केशव जी महाराज से। तो उन्होंने बोला कि तुम संन्यास ले लो, तुम्हारे गुरु महाराज चाहते थे कि तुम संन्यास लो। बोला हाँ, मेरे सपने में भी आते हैं प्रभुपाद जी। बोले कि मेरे सपने में आते हैं कि प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत ठाकुर आते हैं, बोलते हैं संन्यास ले लो, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। बोला नहीं, तुमको संन्यास लेना चाहिए, ये गुरु जी का आदेश है। तो रात में केसी घाट जाते हैं प्रभुपाद, और वहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोले बताइए हमको क्या करना है। और रात में फिर से सपने में भक्तिसिद्धांत ठाकुर आते हैं उनके, और जब वो सपने में आते हैं तो वो ऐसे बोल होते हैं, आ जाओ आ जाओ, फिर देखिए वो डबरा जाते हैं। तो अगले दिन सुबह सुबह जाते हैं केशव जी महाराज के पास और बोलते हैं आज सपने में ही आया। बोला हाँ, आज ही तुमको संन्यास लेना है। तो उनको संन्यास दे देते हैं, और जब वो संन्यास दे देते हैं तो जब संन्यास सेरेमनी हो जाता है, उसके बाद में बैठ के प्रसाद ले रहे होते हैं। केशव जी महाराज बैठते हैं, प्रभुपाद जी बैठते हैं। तो एक बच्चा आता है, वो थोड़ा रोटी लेके आता है, बार बार रोटी लेके आता था, जाता था, जाता था, जाता था। तो केशव जी महाराज बोलते हैं तुम यही रखो, रोटी वोटी सब दाल वाल यही रख दो, हम लोग खा लेंगे। तो वो लोग खाने लगे, तो केशव जी महाराज बोलते हैं ये बच्चा सोचता है कि ये दो बाबा जो बूढ़ा लोग हैं यहाँ पे बैठ के रोटी काउंट कर रहा है। क्या कर रहा है? काउंट, रोटी काउंट कर रहा है, कितना रोटी खा रहा है। हम दोनों बूढ़े हैं, तो बच्चा सोच रहा है कि बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं, रोटी काउंट कर रहे हैं। पर इनको पता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है हमारे, हम इन चार लोगों के हाथ में है, ये हम दोनों के हाथ में है। तो जो केशव महाराज थे उनका हरिनाम में बहुत श्रद्धा था। एक बार क्या हुआ, इनके गौड़िया मठ में इनके गुरु भाई आने वाले थे, और इनके गौड़िया मठ में कोई पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। तो इन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, जाओ थोड़ा थोड़ा दान वान लेके आओ। तो जब वो दान के लिए गए तो बहुत पैसा नहीं मिला, तो ये हरिनाम जप कर रहे थे। इनको विश्वास था कि कुछ ना कुछ भगवान कृपा करेंगे। तो जैसे ही सब लोग आए, काउंट किया, पैसा इतना नहीं था। तो जैसे ही ये लोग क्या किए, 2 दिन तक केशव महाराज केवल जप करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करते रहे। और जैसे ही वो जप खत्म हुआ, मतलब शाम हुई, अगले दिन सुबह आने वाले थे, तो वैसे ही कौवा आया और एक झोला में पैसा छोड़ के चला गया। तो आप बोलेंगे तो जादू है। हाँ, भगवान ऐसे ही मेंटेन करते हैं, भगवान अलग अलग तरीके से मेंटेन करते हैं। प्रभुपाद ने जो इस्कॉन सोसाइटी था 40 रुपये में चालू किया, और इसको 40 करोड़ रुपए का सोसाइटी बना दिया। जब प्रभुपाद ने जब ये पूरा कुछ कर लिया, तो एक जब वो इंडिया में आए तो एक बिजनेसमैन ने उनसे पूछा कि आपका ये क्या टेक्निक है, बताइए जरा स्वामी जी हमको, कि 40 रुपये में 10 साल में 40 करोड़ रुपये आपने कैसे बना दिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये टेक्निक जो है ये भगवान की कृपा का एक टेक्निक है। नहीं, कुछ तो होगा, आपने क्या प्रैक्टिस लगाया, क्या MBA किया, क्या किया आपने, कुछ तो बताइए हमको। तो बोले आप क्या करें, इसको समझने का एक बहुत अच्छा था तरीका। बोला क्या, बोला आ जाइए आप, हमको ज्वाइन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने भी कैसे अपना मूवमेंट चालू किया। तो एक्चुअली भगवान ही हमको मेंटेन करता है, भगवान ही हमारा ख्याल रखता है। हम लोग इस दुनिया में भगवान की इच्छा के बिना ना तो कुछ कर सकते हैं ना कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसे बताया गया है कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर पत्ता नहीं हिलता है तो बाकी सब क्या हिलेगा? कोई बोलेगा कोरोना वायरस तो हिलता है, पत्ता से तो कमजोर जो है सूक्ष्म क्या है, कोरोना वायरस है। तो ना, भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हिलता है। तो नास्तिक को भी हो चाहे वो आस्तिक हो, भगवान हर किसी का ख्याल रखता है। तो एक बार एक नास्तिक था, ये असली घटना है, कि एक जूहू मंदिर, इस्कॉन जूहू मंदिर जो कि जहाँ रास बिहारी जी रहते हैं, भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी, वहाँ हर शाम में भोजन फ्री
फ्री में बांटा जाता है, फूड फॉर लाइफ होता है ना, फूड फॉर लाइफ, किसी बांटा जाता था। तो वहां जो भक्त था, वो जो बांटता था ना, वो क्या करता था, सब भक्तों को जो भी आता था, चाहे वो अभक्त हो चाहे कोई भी हो, सबसे बोलता था एक माला करो, अगर तुम एक माला करेगा तुमको जितना खिचड़ी चाहिए सब खिलाएंगे। तो एक बार एक नास्तिक व्यक्ति आ गया और बोला हम भगवान भगवान विश्वास नहीं करते, उसका टी शर्ट में लिखा था आई एम एथिस्ट, आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, है ना। तो जब आ गया तो खिचड़ी के लिए गया, तो बोला खिचड़ी दो, बोला ठीक है हरे कृष्णा जप करो, ये माला लो, माला जप करके आओ तो हमको हम खिचड़ी देंगे। बोला हम माला वाला नहीं करेंगे, हमको खिचड़ी चाहिए। तो बोला नहीं, अगर तुम खिचड़ी नहीं ले जप नहीं करेगा खिचड़ी नहीं मिलेगा। वो भक्त भी अड़ गया, और ये जो भक्त था, ये जो अभक्त था, वो भी अड़ गया, नहीं हम नहीं करेंगे, हमको तो खिचड़ी चाहिए ही चाहिए। तो बोला नहीं तुम साइड में हटो, पहले माला करो तभी देंगे। तो उसको हटा दिया साइड में, उसको गुस्सा आ रहा था, बोला खिचड़ी नहीं दे रहा मुझे, सबको दे रहा है, और सब लोग माला कर करके अपना खिचड़ी खा रहे थे। तो बोला तुम भी खा लो, नहीं हम नहीं जप करेगा, हम नहीं जप करेगा, भगवान भगवान का नाम, हम नास्तिक है, भगवान का नाम नहीं जप करता है। तो ऐसे हो गया, रात को 9 बज गया, सब बर्तन वर्तन इकट्ठा करके वो भक्त चला भी गया अंदर, और यह भक्त बाहर बैठा था और बोला था अरे आज खाना नहीं खाया इन्होंने। तो जब जो भक्त था वो सो गया, तो रात में सपने में भगवान श्री जो राधा राज बिहारी है उसके सपने में आया। तो ये देखिए, अभी भगवान की दृष्टि से हमको देखना चाहिए, कैसे भगवान देखते हैं सबको। तो जब वो आए, भगवान बोले कि तुमने आज एक नास्तिक आया था उसको खिचड़ी नहीं खिलाया, क्यों नहीं खिलाया? बोला कैसे खिलाता हूँ, तुम्हारा नाम नहीं जप कर रहा था, तुम्हारा नाम जप करता तो मैं तो बोला खिचड़ी मिलेगा तुमको। तो बोला अरे वो तो नाम नहीं जप कर रहा था, कोई बात नहीं, तुम उसको खिचड़ी तो खिला देना चाहिए था। बोला अरे वो तो नास्तिक है, तो खुद बोला कि मेरे को 5 बार बोला कि मैं नास्तिक हूँ। तो भगवान बोले कि अच्छा तुम बताओ कि तुमको कब पता चला वो नास्तिक है? बोला कल पता चला मुझे, बोले मुझे तो 10 लाख योनियों से पता है कि वो नास्तिक है, फिर भी मैं उसको खाना खिलाता हूँ, और तुम उसको प्रसाद नहीं खिलाया। तो ये देख के जो भक्त था उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो देखिए भगवान जो है वो सबको खाना खिलाते हैं, भगवान जो गाय का मांस भी खाता है ना उसको भी खाना खिलाते हैं, ऐसे नहीं कि उसके लिए ऑक्सीजन बंद कर दिया। भगवान का नाम है गोपाल, मतलब जो गायों का बहुत प्रेम करते हैं गायों से, पर जो गायों की हत्या करते हैं ना उसको भी ऑक्सीजन देते हैं, सनलाइट देते हैं, सब देते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि आज से रूल लगा दिया जो भाई मेरा नाम जप नहीं करेगा उसको उसको सांस नहीं मिलेगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करते। भगवान बहुत दयालु है, भगवान फ्रीडम दे के रखे हैं सबको, क्योंकि जो प्रेम होता है वो जबरदस्ती नहीं कराया जाता है, और भगवान जो है वो केवल प्रेम के भूखे हैं। भगवान को ये सब चीज़ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, सब सौरत वौरत नहीं चाहिए, उनके पास तो लक्ष्मीपति है, उनके पास सब है। तो हमको जो आज ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है उसमें सब लोग बोल रहे हैं कि इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, क्या होगा देश का, क्या होगा, और आजकल इतना सारा गलत गलत चीज़ उपाय उपयोग किया जाता है पॉपुलेशन कंट्रोल के कहने के लिए, इतना अबॉर्शन होता है, इतना इतना कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ें यूज़ किया जाता है। तो प्रभुपाद बोलते थे कि अगर आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो केवल आपको हरिनाम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हरिनाम करेंगे तो आपके सर जो इंद्रियां हैं वो अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगी, जब इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएंगी तो ये सब चीज़ें करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि जो पूरा पॉपुलेशन है इसको भगवान श्री कृष्ण ही संभालते हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम है जनार्दन, जो जनता के आराध्य हैं वो है जनार्दन। तो हमको भगवान का आराधना करना चाहिए। भगवान भगवद गीता में बोले हैं प्रियोसिमे, तो हम लोगों को भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरा नाम जप करो, मेरा कीर्तन करो, मेरा पूजा करो, मेरे को दंडवत मारो। तो हमको ये पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या हम जप करते हैं, क्या हम भगवान का नाम श्रद्धा पूर्वक लेते हैं, क्या हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों का सेवा करते हैं, ये हमको प्रश्न पूछना चाहिए। अगर हम लोग अच्छे से जप करेंगे तो भगवान तो बोल दिए हैं कि मैं तुम्हारा संरक्षण रक्षा करूंगा। वी चैंट ही मेंटेन्स, ही मतलब भगवान कृष्ण, और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण ही मेंटेन करते हैं, ऐसे नहीं कोई एनर्जी है, लाइट है,
एनर्जी लाइट सब भगवान कृष्ण से ही आता है। हम संहिता में भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जो भगवद गीता में भगवान को बता रहे हैं कि अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना उपासते परिपासते तेषां नित्य अभ्युक्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहम्। तो जो भी भगवान का नाम जप करेगा, कीर्तन करेगा, वो भगवान तो वैसे ही सबको मेंटेन करते हैं, तो हमको क्यों नहीं मेंटेन करेंगे जो जप करेंगे श्रद्धा पूर्वक। तो भक्तों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारा रक्षा भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारा जप हो रहा है वो भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, थोड़ा परीक्षा लेते हैं, बीच बीच में थोड़ा टेस्ट लेते हैं कि भाई सिंसियर है कि नहीं है, इससे थोड़ा चेक करते हैं। तो चैतन्य चैतामृत में श्रद्धा जो है, श्रद्धा मतलब विश्वास, उसका डेफिनेशन बताया गया है, वो है श्रद्धा शब्द की। श्रद्धा का मतलब ये है कि अगर मैं हरि नाम जप करूंगा तो भगवान मेरे को मेंटेन करेंगे, यही श्रद्धा है। कि अगर मैं भगवान का सेवा करूंगा तो भगवान मेरे को रक्षा करेंगे, यही श्रद्धा है। अगर ये हमको श्रद्धा है, विश्वास है, तो हम किसी भी चीज को पालन कर सकते हैं। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गुरु तत्कृपातां भवमन्दे श्री गुरु दीन कायम। भगवान के भक्त और भगवान की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। तो हम लोगों को इसमें एक क्षणिक भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर मैं भगवान का सेवा करूंगा, भगवान को सरेंडर करूंगा, तो भगवान मेरा ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा। भगवान तो नास्तिक लोगों का ख्याल रखता है, तो हम लोगों का भी क्यों नहीं ख्याल रखेगा। तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत है हम लोग जब जब करते हैं, हम लोग जो कीर्तन करते हैं, उसके उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का चेतना कहाँ होता है उस समय? ये हम लोग कोशिश करना चाहिए कि उस समय हमको हमारा चेतना भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। मुकुंदमाला स्तोत्र में कुलशेखर जी बोलते हैं कि माँ वीर मंद मनो विचिंत बहुधा यास्मिन चिरयातना। मतलब यहाँ बहुत दुनिया में इधर उधर की बातें चलती रहती है, तो हे मन इधर उधर की बातों को छोड़ दो। नैवा विप्लवंती पाप परिप्लवो स्वामी ननु श्रीधरा। आप ये सब को छोड़ो, जो आना है कर्म के हिसाब से तो आएगा ही, तो उसको आने दो। और तुम क्या करो, भगवान श्रीधर मतलब भगवान जो लक्ष्मी जी के पति हैं श्रीधर, उनका सेवा करो। हाँ, एवा भी प्रवंति पाप प्रभो स्वामी ननु श्रीधरा। आलस्य वपनीय भक्ति शुभलम धायस्य नारायण लोकस्य अवसन उपनत करो दास्यस्य किम न सम। तो आप आलस्य को त्यागो और क्या करो, भगवान का भक्ति करो, भगवान का नाम सुनकर कीर्तन करो, भगवान के बारे में पढ़ो, भगवान के बारे में श्रवण करो, भगवान के बारे में लोगों को बताओ। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है कि भगवान को कैसे खुश किया जाए। और भगवान को कैसे खुश किया जाएगा, जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे। जब तक हम भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, हमको कैसे समझ में आएगा कि भगवान कैसे खुश होते हैं। जैसा अगर आपको मोदी को खुश करना है, तो मोदी बोला है कि मास्क पहन के रखना है, मोदी बोला है कि बाहर इधर उधर घूमना नहीं है, कोरोना में आपको इधर उधर इकट्ठा नहीं होना है। तो आप जब ये करेंगे तो मोदी अपने आप खुश हो जाएगा। देखिए, अभी सुनने में आया कि जो धनबाद में जो बिना मास्क के घूमेगा उसको 500 रुपये का फाइन लगेगा, जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 500 रुपये का फाइन लगेगा। तो देखिए, ये जो फाइन है ये किस लिए है? ये हमारी सुरक्षा के लिए है कि सरकार की सुरक्षा के लिए? ये जनता की सुरक्षा के लिए है, कॉमन सिटीजन की सुरक्षा के लिए है। तो उसी तरह भगवान भी बोलते हैं कि मेरा नाम जप करो, मेरा कीर्तन करो, जो नहीं करता है उसके लिए भगवान ने फिर अलग सिस्टम बनाया हुआ है। तो भगवान जबरदस्ती अपना नाम जप नहीं करवाना चाहते, ऐसे नहीं कि वो पीछे पड़ रहे थे, तुम नहीं जप करेगा तो तुम संसार के पूरे अंधकार में चला जाएगा, तुम नरक में घूमेगा, यू विल गो टू हेल्प फॉर एवर, ऐसा नहीं करते भगवान। तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं हमारे साथ। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को जब हम लोग हरि नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो पूरा विश्वास के साथ हमको कीर्तन करना चाहिए और भगवान की खुशी के लिए करना चाहिए। जैसे हम लोग अगर आरती कर रहे हैं तो हमको सोचना चाहिए कि हम आरती कर रहे हैं ताकि भगवान खुश हो। हमको सोचना चाहिए कि हम भगवान को अपना दिया दिखा रहे हैं, भगवान को हम जल दे रहे हैं, हम भगवान को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, तो भगवान हमसे खुश हो जाए।
ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है प्रभु जी बोले थे इसलिए टिक मार लेते हैं, आज लिया थे आज करना है, आज इसलिए थोड़ा रिपोर्टिंग करना है, जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो। अगर ऐसे टाइम पास करेंगे तो भगवान भी पास टाइम करेंगे, भगवान भी हम लोग के साथ टाइम पास करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को जब हम कुछ भी सेवा करते हैं भगवान कृष्ण के लिए, उसमें अपना चेतना को लगाना चाहिए, उसमें अपना ध्यान लगाना चाहिए, भगवान के बारे में सोचना चाहिए। जब हम लोग हरिनाम जप करते हैं तो दुनिया भर का चीज हम सोचते हैं केवल भगवान कृष्ण को छोड़ देते हैं। तो हम लोगों को जान पूछ के जोर जोर से चिल्ला के हरिनाम जप करना चाहिए, ताकि हमको याद रहे कि हम किसका नाम जप कर रहे हैं, हम भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कभी कभी हम लोग कुछ और ही जप करते हैं, क्या जब करते हैं, हरे डॉलर 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 हरे हरे, हरे रुपी 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 हरे हरे। तो ये सब चलता रहता है कि कैसे पैसा मिलेगा, कैसे कमाएंगे, कहाँ कोरोना कोरोना आ गया, तो कोरोना कोरोना चल रहा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कोरोना को भूल के सब लोग कोरोना कोरोना कर रहे हैं। तो हमको पूरा भगवान में विश्वास होना चाहिए, भगवान हमको हमेशा मेंटेन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति जो भक्त जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम जप करता है वो खुश रहता है, वो उसको आप थोड़ा सा एक दो रोटी दे दो खुश रहेगा, हरे नाम जप करेगा खुश रहेगा, उसको बड़ा बड़ा चीज नहीं चाहिए। पर देखिए आप इतने बड़े हीरो हैं हीरोइन हैं, इतने फिल्म स्टार हैं, इतने स्पोर्ट्स स्टार हैं, तो इतना उनको जैसे अभी धोनी जी का बर्थडे था उसको कितना बर्थडे कार्ड मिला होगा, पर अंदर ही अंदर थोड़ा खोखला रहता है, चेहरे पे देख सकते हैं प्लास्टिक स्माइल है। अभी जैसे एक रिसेंटली किसी ने तो सुसाइड किया था, फिर क्या हुआ था, जो एक हीरो था इतना पॉपुलरिटी था उसका, ये ट्रिपल ई में 7th रैंक था, और तो और वो मैथ्स ओलम्पियाड में टॉपर था, वो ओलम्पियाड जो हमने दिया था तो हमने तो नेटवर्क मारा था उसका। और तो और वो उसके 10 मिलियन फॉलोअर थे फेसबुक में, फिर भी देखिए अकेला रहता था। तो आप एक हीरो है, बहुत बड़े कॉमेडियन है जिम कैरी, बोलते हैं कि एवरीबडी शुड बिकम ए रिच मैन, एवरीबडी शुड बिकम शुड कम टू दिस बिग रैंक सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज देयर, कुछ है नहीं ऊपर। एक बार बिल गेट से किसी ने पूछा कि अगर मान लीजिए अगर आप बिल गेट्स के बारे में तो जानते होंगे है ना, उतना धनी आदमी, उसे पूछा कि अगर 24 घंटे की जगह 25 घंटा आपको एक एक्स्ट्रा घंटा मिले तो आप क्या करेंगे, तो जो हमारे बिल गेट जी हैं बोलते हैं कि मैं सोऊंगा, थोड़ा सोऊंगा मैं। तो इससे आप देखिए ना हमारे भक्त इतने खुश रहते हैं, कोई इतना टेंशन नहीं, आराम से रहते हैं खुश रहते हैं। तो जो भक्त हैं वो हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि भगवान हमारा रक्षा करते हैं। तो हमको जो हरि नाम है वो सबसे श्योरेस्ट प्योरेस्ट और सेफेस्ट पाथ है कलयुग के लिए, हरि नाम ही एक सार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अलग अलग ग्रंथों में लिखा हुआ है, काले काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान श्री कृष्ण जो है वो हरिनाम के रूप में आए हैं, और भी बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुद्र ही पारा, तो तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है ना। तो हरिनाम की महिमा बहुत ज्यादा है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हरिनाम जप करना चाहिए। तो हरिनाम जप क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, हम तो जगे हुए हैं, सब लोग क्लास कर रहे हैं अटेंड कर रहे हैं, हम लोग क्या है अभी हम लोग स्पिरिचुअली लाइफ में सो रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में सो रहे हैं अच्छे से। तो जो जैसे कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसको उठाया जाता है, तो उसका आप उसके सामने एक चिप्स रख दो या उसके सामने रसगुल्ला रख दो तो उठेगा नहीं, वो सपने में रसगुल्ला खाने लगेगा खुशबू से। बट अगर आप उसको बोलेंगे कि दीपक उठ जा तो उठ जाएगा। उसी तरह अभी हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में सो रहे हैं, तो इसीलिए जब हम हरिनाम करते हैं हरि कीर्तन करते हैं तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग उठते हैं। तो इसीलिए बोले गया गया है जीव जागो गौर चंद्र बोले खोटा निद्रा मायो जाया पिशाची खोले, कि हे मनुष्य लोग उठिए उठिए और हरिनाम जप करिए। चैतन्य महाप्रभु आए हैं और बोले हैं कि हरिनाम जप करो, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग माया के गोद में बैठे हुए हैं, माया जो है वो हमको गोद में बैठाती है और हमारा खून चूस लेती है। हाँ? जीव जागो गोरा चंद्र बोले खोटा निद्रा माया जाया पिशाची खुले, कि
पिशाची, पिशाची क्या करती है, जो पिशाची को हिंदी में ड्याकन बोलते हैं, ड्याकन ड्याकन भूतनी, वो क्या करती है, वो आपको गोद में बैठा लेगी और आपको खून चूस लेगी। तो माया भी ऐसे ही करती है, वो खून चूस लेती है, हमको भक्ति नहीं करने देगी। तो जब आप हरिनाम करते हैं चिल्ला के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम लोग उधर से हट दूर हो जाते हैं और भगवान की शरण में आ जाते हैं। तो हम लोगों को इसीलिए जप करना चाहिए। तो जप हमको सुबह सुबह अच्छे से जप करना चाहिए। जो जप को प्रायोरिटी देगा, भगवान भी उसको प्रायोरिटी देगी, है ना। तो हम अभी एक आपको रामानुजाचार्य के बारे में एक उन्होंने एक चीज़ बोला है, उसके बाद वो बता के हम लोग फिर समाप्त करेंगे, ठीक है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य बताते हैं कि हम लोग भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दो तरीके से तरीका बताया गया है। एक तरीका बताया गया है मंकी वे, यह मंकी वे। मंकी वे मतलब जो बच्चा होता है बंदर का, वो तो जब बंदर का बच्चा होता है तो जब उसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर जाना होता है तो वो क्या करता है, वो बंदर उसकी जो माँ उसको पकड़ता है और माँ उसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ से चौथे पेड़ ऐसे ऐसे कुदाती रहती है। तो उसका एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने का जो स्थिति है वो किस पे डिपेंड करता है, कैसे वो होल्ड करता है। अगर मान लो वो थोड़ा सो या बच्चा सो गया तो वो गिर जाएगा, माँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। तो जितने भी कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, ये सब कांड है, अलग अलग कर्म कांड, ये सब इसमें जो शक्ति होती है वो खुद सोचता है कि मैं भगवान को पकड़ लूंगा, पर वैसा नहीं होता है क्योंकि कभी भी आप गिर सकते हैं उसमें। और दूसरा भी होता है वो है कैट वे, एक होता है मंकी वे, एक होता है कैट वे। कैट वे मतलब होता है उसमें आप बस चिल्लाना होता है आपको, मियाओ मियाओ मियाओ, और मम्मी आती है, कैट मम्मी आती है और पकड़ के ले जाती है। तो इसीलिए जब हम लोग हरिनाम जप करते हैं तो भगवान आते हैं और हमको ले जाते हैं। जैसे गजेंद्र का कहानी आप लोगों ने सुना होगा ना, क्योंकि मुझसे अच्छा क्लास सुना बताया था गुरु जी ने। तो उसमें गजेंद्र ने प्रार्थना किया, भगवान विष्णु आ गए। द्रौपदी ने प्रार्थना किया, भगवान कृष्ण साड़ी के रूप में आ गए। अजामिला ने केवल नाम नारायण जप किया, विष्णु दूत आ गए। तो उसी तरह अगर हम लोग हरिनाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो भगवान खुद हमको हेल्प करेंगे। तो इसलिए हमको नाम जप करना होगा। पर अगर आप जैसे कि आप देखते हैं कि अगर एक घर में दो बच्चे होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, अगर छोटी जैसे हमारे प्रभु जी हैं उनके एक लड़का है एक लड़की है, तो जो लड़की जो है छोटी है तो जब लड़की चिल्लाती है तो मम्मी तुरंत आ जाती है। लड़का जो है वो चिल्लाता है तो मम्मी को पता है ये अपने आप खाना खा लेगा, फिर से निकाल के कुछ ना कुछ तो खा ही लेगा। बट जब मम्मी चिल्लाती है मम्मी मम्मी, तो तुरंत मम्मी आ जाती है। तो क्यों, क्योंकि जो बच्ची है वो पूरा डिपेंड है मम्मी के ऊपर। उसी तरह जो भक्त होते हैं वो भगवान पे डिपेंड करते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हमारा अपना कर्तव्य नहीं करते, हम लोगों को अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल रहना है और भगवान के पर श्रद्धा रखते हुए अपना काम करना है। तो आज का जो थीम था कि वी चैंट, हम लोग जप करेंगे और भगवान कृष्ण हमारा मेंटेनेंस करेंगे। वैसे भगवान कृष्ण हमारा मेंटेनेंस कर रहे हैं, आप जप करें नहीं करें तो भी मेंटेन कर रहे हैं, बट हम लोग एक्स्ट्रा जप करते हैं तो भगवान के भगवान क्या करते हैं, अपना जूम जूम अपना जो जूम है हमारे को बढ़ा देते हैं, हमारा खुद पर्सनली ख्याल रखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमको विश्वास होना कि भगवान हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे और भगवान भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं। तो हम लोग अभी ये आज का जो थीम था कि रीच एंड की मेंटेन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए आज। तो हम लोग डिस्कस किए थे कैसे भगवान हमारा रक्षा करते हैं, भगवान केवल हमारा ही नहीं बाकी सब जीव जंतुओं का भी रक्षा करते हैं, है ना। तो भगवान जो है वो क्या है, कृष्णा कैन सी ए ब्लैक एंट ऑन ए ब्लैक रॉक ऑन ए ब्लैक डार्क वेल इन ब्लैक नाइट। मतलब कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो एक काली चींटी को, एक काले पत्थर के ऊपर, एक काले मतलब अंधकार कुएं के अंदर जहाँ अंधकार है और वो भी काली रात में देख सकते हैं।
और उसको खाना भी खिला सकते हैं, है ना। तो भगवान जो है वो सबको ख्याल रखते हैं। तो एक बार वृंदावन में ऐसा कहा गया है कि भगवान की, वृंदावन की जो रानी है वो है श्रीमती राधा रानी। तो वृंदावन में कोई भी भूखा नहीं जाता है ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति था, उसने सुना कि वृंदावन में हमने सुना है कि कोई भूखा नहीं जाता है, और कोई भी भूखा नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पे श्रीमती राधा रानी सबको खाना खिलाती है, क्योंकि भगवान वृंदावनेश्वरी है, वो सबका ख्याल रखती है। तो एक बार एक व्यक्ति था, उसने ये सुना तो उसने सोचा कि हम इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो वो क्या किया, वो जैसे अपना कपड़ा वपड़ा पहन के एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया, वृंदावन में रास्ते में पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। और पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया और सोचा कि अब मैं नीचे नहीं उतरूंगा, अब मैं नीचे नहीं उतरूंगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा तो ये प्रॉमिस टूट जाएगा कि राधा रानी जो है खाना खिलाती है सबको। तो देखते हैं आज दिन भर हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो सुबह सुबह जाता है 3 बजे उठ के, और 3 बजे उठ के जाके पेड़ पे बैठ जाता है। तो आज 3 बजे से रात को 12 बजे तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। तो 3 बजे से सुबह, 3 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, उस पेड़ के नीचे साधु लोग आते हैं, और पेड़ के नीचे बहुत राहगीर लोग आते हैं। कुछ लोग खा रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ छोड़ के चले जाते हैं, उसको भूख लगती है फिर भी सोचता है नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। एक टीम आती है, घर वाली टीम आती है, 6-7 लोग आते हैं, सब लोग वहाँ पे खाते हैं, थोड़ा छोड़ के चले जाते हैं, फिर भी वो उतरता नहीं है, वो ऊपर आराम से बैठा रहता है, सोचता है कि हम लोग नहीं मैं नीचे नहीं उतरूंगा। तो फिर क्या होता है, जैसे ही शाम को 6 बजता है तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ साधु लोग आते हैं, साधु महात्मा लोग आते हैं और वो खाना खाते हैं। तो उनके पास 3 हांडी होता है, और वो 2 लोग होते हैं, उनको 3 हांडी मिल जाता है। तो वो 2 हांडी में के खाना खा रहे थे, सोचते हैं कि तीसरा हांडी किसको दे, तो बोलते हैं कि खा लो खा लो तुम। तो वो जो ऊपर बैठा होता है वो देखता है कि ये मेरे को बोल रहा है खा लूँ, मुझे बहुत भूख भी लग रहा है, पर राधा रानी ने भेजा है खाना पर मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि आज तो मैं प्रॉमिस करके दिखाऊंगा कि यहाँ मैं भूखा रहूंगा, आज मैं भगवान के घर में भूखा रहूंगा। तो बोलता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तुमको खाना है खा लो, हम नहीं खाएंगे। तो साधु महात्मा बोलता है खा लो, भूखा नहीं रहना चाहिए, वृंदावन में कोई भूखा नहीं रहता है, राधा रानी ने भेजा है हमको तुम्हारे लिए, तुम खाना खाओ। तो बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो वो बैठा रहता है, तो बोलते हैं वो साधु महात्मा बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ रख दिया सो ढक के रखा है, तुमको भूख लगे तो खा लेना आके। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे दोनों अपना खाना खाते हैं, झूठा वूटा करते हैं मतलब, और उसको जो एक हांडी था उसको वहीं रख के चले जाते हैं, और जो दो हांडी खाली हो गया था, 2 हांडी खाली था एक भरा हुआ था, वो वहीं रख के चले जाते हैं। और ये ऊपर से देखता रहता है, बोलता है अरे भगवान का तो जबरदस्त है, मेरे को अभी नीचे खाना दे दिया है, मुझे भूख भी लग रहा है, अभी मैं नहीं जाऊँगा। पर फिर बाद में क्या होता है, वहां से एक सिपाही जा रहा होता है, सिपाही जा रहा होता है, तो उसको बहुत भूख लग रहा होता है, तो पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहां सोने लगता है। तो देखता है कि वहां पे एक हांडी पड़ा हुआ है खाने का, उसको बहुत भूख लग रहा होता है, उस सिपाही को सोचता है कि ये कौन यहाँ रखा, कौन यहाँ रखा, कौन यहाँ रखा। तो कोई दिखता नहीं है उसको, तो क्या करता है वो खा लेता है। और जब वो खा लेता है तो आधा खाते ही उसको इतना नींद आता है, उसको इतना नींद आता है क्योंकि वो खीर टाइप होता है, तो आगे सो जाता है वो, सो जाता है वो। तो फिर थोड़ी देर में क्या होता है, 2 चोर आते हैं, वो जो वृंदावन में चोर होते हैं, दो चोर आते हैं। और जब चोर आते हैं तो देखते हैं कि अरे सिपाही, यहाँ सिपाही लेटे कैसे है, क्या हो गया, ये लेटा कैसे है यहाँ पे। तो देखते हैं कि इसके बाद हांडी पड़ा हुआ है, हांडी पड़ा हुआ है, सिपाही भी यहाँ रखा हुआ है, सिपाही है, हांडी भी रखा हुआ है, आधा खाया है आधा नहीं खाया है, सोचता है कुछ तो है इसमें। तो बोलता है खा ले तू भी खा ले, नहीं नहीं इसमें जहर होगा, जहर जहर होगा जहर। तो
ऊपर देखते हैं तो आदमी बैठा होता है, बोलता है यही है जिसने जहर खिलाया सिपाही को, ये चाहता था कि हमको भी जहर खिलाए। तो कहते हैं कि तो वो जो दो चोर होते हैं उसको ऊपर से नीचे बुला लेते हैं, नीचे पकड़ के उसको लेके आते हैं जबरदस्ती, और बोलते हैं कि ये जहर है ना, बोले नहीं नहीं ये जहर नहीं है, ये मिठाई है, तुम खाओ, ये साधु महात्मा ने लेके आए थे, वो मेरे को देना चाहते थे पर मैंने नहीं खाया, पर इसने खाया इसलिए बेहोश हो गया है अभी, है तो बोला नहीं तुमको खाना पड़ेगा। तो वो दोनों के दोनों चोर उसको जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उसको जबरदस्ती वो खिला देते हैं, और उसकी आंखों में बहुत आंसू आने लगता है कि देखो राधा रानी कितनी दयालु है कि हमको जबरदस्ती खाना खिला रही है। तो हमको ये बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे, भगवान का जप करेंगे, हरिनाम करेंगे, भगवान पे विश्वास रखेंगे तो भगवान हमारा ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा। तो भगवान ने इतने सारे शास्त्र हैं हमारे, भागवत है हमारा, भगवद गीता है, महाभारत है, रामायण है, ये सब क्या है, इसमें भगवान बता रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप सब धर्मों को परित्याग करके केवल मेरा संरक्षण हो, मतलब मेरा मतलब भगवान श्री कृष्ण का, कि अगर हम पास जाएंगे तो भगवान हमारा सारे के सारे पापों को माफ कर देगा और हमारी रक्षा करेगा। तो ये जो श्लोक है सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो इसमें भगवान बोलते हैं कि हमको कैसे भगवान का शरण लेना होगा, ब्रजवासियों की तरह, ब्रजवासियों जो वृंदावन वासी थे, जो वृंदावन वासी थे उनकी लाइफ में कितना प्रॉब्लम आया, हर दिन उनको 6-7 नए नए राक्षस आते थे, सुबह धेनु का सुर आता था, दिन में प्रलंबा सुर, रात में कोई और सब आ जाता था, हर दिन कुछ ना कुछ नए नए राक्षस आते थे, नए नए उनको दिक्कत होता था, पर हर समय भगवान श्री कृष्ण को याद करते थे और भगवान श्री कृष्ण का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। तो हम लोगों को भगवान के प्रति एक सिंपल ब्रजवासी की तरह श्रद्धा रखते हुए, हरि नाम जप करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए अपने जीवन को बिताना है, यही एक मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो ये मनुष्य जीवन जो है बहुत अच्छा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रहे तो हमको दुखी नहीं होना चाहिए कि लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बल्कि हमको खुश होना चाहिए कि इतने सारे लोग जो हैं इनको हम हरिनाम दे सकते हैं, हम कीर्तन करवा सकते हैं। ये तो मनुष्य योनि का एक में सबसे मिलने वाला सबसे बड़ा दुर्लभ चीज़ है, तो हमको इसका फायदा उठाना चाहिए। मनुष्य शरीर हमको मिला है, हम सब लोग हरिनाम जप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग सब आए और इतने देर श्रद्धा पूर्वक आप लोगों ने कथा सुना, कीर्तन सुना। अगर आपका कुछ फीडबैक है तो हमको जरूर बताइएगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी तरह हम हर संडे संडे और सैटरडे भी क्लास करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।